इंदौरा स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में एक नए स्नातकोत्तर गहन देखभाल पाठ्यक्रम और 615 बेड वाले अस्पताल की स्थापना के लिए 575.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भिंडे की अध्यक्षता में एक छोटी बैठक का आयोजन किया गया था, जहाँ भाजपा पदाधिकारियों ने जल्लोष व्यक्त किया। दरअसल इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नागपुर संस्थान से संपन्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र नागपुर में एक नए स्नातकोत्तर और गहन देखभाल पाठ्यक्रम और 615 बिस्तर वाले अस्पताल शुरू करने के लिए 575.79 करोड़ रुपए के निर्माण बजट की प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके चलते यहां विकसित अस्पताल बनने की नींव रखी गई है, जिसका संतोष मनाने के उद्देश्य से भाजपा महानगर द्वारा जल्लोष व्यक्त किया गया, जहाँ पूर्व विधायक मिलिंद माने समेत अध्यक्ष बंटी कुकड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मिश्रा, गिरीश व्यास, उत्तर मंडल अध्यक्ष गणेश कांतोड़े, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष सतीश शिरसवान, शहर महामंत्री संदीप गवई एवं विष्णु चांगदे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भिंडे की अध्यक्षता में एक छोटी बैठक का आयोजन किया गया था, जहाँ भाजपा पदाधिकारियों ने जल्लोष व्यक्त किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।